के अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया, आपने जो मार्गदर्शन दिया था, उसका परिणाम है इस बार 15 जनवरी से लेकर के और कल तक 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान किया है। अब तक की किसी भी कुंभ की सबसे बड़ी श्रद्धालुओं का यह समागम है। और अभी 10 को एक महत्वपूर्ण शाही स्नान और 2 अन्य स्नान अभी बाकी है। आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा मानवता का समागम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके सहयोग से, कुंभ के इस आयोजन को उनके प्रयास से पहली बार यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। तो 450 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से प्रयागराज में किले के अंदर बंद अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य भी श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। आस्था का सम्मान कैसे होता है, प्रयागराज के अंदर हुआ विकास का कार्य, पूरे देश के अंदर चल रही योजनाएं और विगत पौने 2 वर्ष के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य इस बात के उदाहरण हैं। और इसलिए आज जब 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व अपनी सेना का मार्गदर्शन करने और इस धर्म युद्ध में एक नहीं कर सकती है। हर व्यक्ति जानता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की जो सुदृढ़ नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर रखी है, उसने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि इस देश के हर गरीब को, इस देश के हर गांव को, इस देश के हर क्षेत्र को विकास की योजनाओं से बराबर बनाया है। आजादी के बाद जो सुदृढ़ नींव विकास की रखी है, वो विकास की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह